वेलकम टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद न्यू वीडियो, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं क्यू एन ए। और बहुत सारे गेमिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से मैंने कुछ पिक करे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही पर्सनल लाइफ के बारे में, जो मैंने नहीं लिए क्योंकि मैंने स्टोरी में जब डाला था ये क्वेश्चन का पोल, तब मैंने उसमें लिखा था कि गेमिंग रिलेटेड क्वेश्चन जब होंगे तभी हम उन क्वेश्चन को लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं, तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, लेट्स गो। ओके, तो ये सवाल है तेजस 69U से। क्या आपके पेरेंट्स ने आपको कभी बोला है कि ये गेमिंग छोड़ दे, और क्या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, ये उनको पूछना है फॉर श्योर। तो यस, मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले बोला था, 4 साल पहले बोला था कि ये गेमिंग वगैरह क्या है, छोड़ दे और दूसरा कुछ कर ले। बट मेरा दिल नहीं माना था और मैंने खुद को प्रूफ करा है टाइम टू टाइम, तब जाके उन्होंने अभी मुझे, अभी नहीं मतलब बहुत टाइम पहले से ही मुझे वो सपोर्ट करना चालू कर दिया कि हाँ जो कर रहा है सही कर रहा है और कुछ कर रहा है लाइफ में आगे। यस, ये सब मेरे साथ होता ही रहता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ई स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते? तो एक टाइम था जब तन्मय भाई, मैं ई स्पोर्ट खेलता था, मेरी टीम थी, बहुत ज़बरदस्त ई स्पोर्ट खेलता था। बट उस टाइम भी मेरे पास प्रॉपर ऐसा डिवाइस नहीं था। अब मेरे पास प्रॉपर डिवाइस है, वेट लेट मी शो यू माई प्रॉपर डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है अभी मेरे पास जिसमें तुम कितना भी खेलो ज़बरदस्त, भाई ऐसा डिवाइस होना तो ई स्पोर्ट्स खेलने में भी मजा आए, अब खेल सकता हूँ। बट अभी टाइम नहीं है क्योंकि 12 घंटे ग्राइंड करना, वैसे तो 12 घंटे ग्राइंड कर सकता हूँ, बैटरी बैकअप तगड़ा है सैमसंग का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ई-स्पोर्ट्स अभी नहीं होगा, अभी कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान है, तो इसलिए ई-स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है। अथर्व पाटिल जी का सवाल है अगला, कि तुला सगळ्यात जास्त कोणती गेम आवडते, कि त्या गेमला खेळल्यावर तुला सगळ्यात जास्त आनंद होतो? तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट गेम है जो गेम खेलने के बाद आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा सबसे फेवरेट गेम ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे फेवरेट गेम है, बट उसमें से भी जो दोस्तों के साथ खेल पाता हूँ मैं और मजे कर पाता हूँ, वो गेम है BGMI। तो 4 जन मिलके जब BGMI में हम राडे डालते ना, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो यस, BGMI मैं बोल सकता हूँ। और उसके बाद GTA बोल सकते हैं, GTA भी मेरा फेवरेट है। और इन दोनों से ऊपर अगर कोई गेम रहेगा तो मेरे को कमेंट में बताना, उनको पता है, जो OGs है ना उनको पता है कि इससे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट गेम कौन सा है। ओके, कमेंट में बताना ज़रूर। इट्स आदि ने पूछा है अगला सवाल, कि गेमिंग के लिए कौन सा मोबाइल अच्छा है, प्लीज़ क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन तो ले लिया आदि भाई, और गेमिंग के लिए अगर तुमको कोई फ़ोन चाहिए ही, तो इससे बेहतर मुझे लगता नहीं कि बड़ा डिस्प्ले, ज़बरदस्त बैटरी और ज़बरदस्त स्क्रीन, और इसमें जो मक्खन चलेगा ना फ़ोन, मतलब गेम मक्खन चलेगा, फोन तो मक्खन चलता ही है, तो इसमें ज़बरदस्त चलेगा। और गेमिंग के लिए सैमसंग S24 अल्ट्रा और सैमसंग S24 भी है, अगर बजट थोड़ा सा कम है तो, बजट अच्छा है तो भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा एज ऑलवेज। ओके, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि मिस्टर क्रेजी ने सवाल पूछा है कि प्लेयर अगर पास हो या फिर नोटिफिकेशन आवे तो फ़ोन लैग होगा क्या? तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन है वो खाली फ़ोन नहीं है, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि मल्टीटास्किंग में भी काम आता है। तो तुम सोच सकते हो, अगर गेम खेल रहे हो तो इसमें चाहे प्लेयर आए 100 एक साथ, लैग नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मक्खन और मक्खन ही चलेगा, डोंट वरी। नोटिफिकेशन अगर तुमको नहीं चाहिए ना, तो इसमें गेम मोड भी है, गेम मोड में जाओ, कोई नोटिफिकेशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डोंट वरी, चिले। अगला क्वेश्चन है आयुष साठम से, कि PC गेम्स या मोबाइल गेम्स योर प्रेफरेंस? तो भाई देखो, मेरा कैसा है बताऊँ, मैं मोबाइल गेम्स भी खेलता हूँ, PC गेम्स भी खेलता हूँ, और मैं कंसोल पे भी खेलता हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। PC गेम ही हो या फिर मोबाइल गेम हो, वो गेम्स अपने को जॉइन रखे, अपना एंटरटेनमेंट करे, बस बाकी कुछ नहीं। ऐसे टॉक्सिक में होता नहीं हूँ, यू नो दैट राइट, कुछ बीच में और कुछ। तो गेम्स बस गेम्स है, PC हो या मोबाइल, मैं PC गेम्स भी पसंद करता हूँ, मैं मोबाइल गेम्स भी पसंद करता हूँ, तो मुझे तो, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं कि यही सिर्फ PC
चलेगा, मोबाइल भी चलेगा। ओके, मिस्टिकल नेहा जी ने पूछा है कि हैव यू एवर प्लेड द गेम प्रिंस ऑफ परशा। तो प्रिंस ऑफ परशा गेम का की है मेरे पास, हम तीनों को कीज आई थी, तो की तो है बट टाइम नहीं है। टाइम जब होगा ना तब प्रिंस ऑफ परशा टाइम निकाल के खेलेंगे जरूर, 100%। डियर कॉमरेड जी ने सवाल पूछा कि जॉनथन से 1v1 कभी करने वाले हो। दोस्त देखो, आज मैं बिजी हूँ क्योंकि आज ये मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं एडिटिंग में बिजी हूँ, फिर मैं थोड़ा गाँव जाने वाला हूँ 4-5 दिन, थोड़ा ना मेरा स्केड्यूल बिजी है, थोड़ा फ्री होते ना फिर जॉनथन के साथ 1v1 करेंगे। वैसे तो मेरी प्रैक्टिस नहीं है बट विदाउट प्रैक्टिस भी तुमको तो मालूम है मेरा गेम प्ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे भाई, कर देंगे, डोंट वरी, कर देंगे। रुद्र पवार पूछ रहा है मोबाइल हीटिंग प्रॉब्लम होता है क्या। तो दोस्तों इसमें है 1.5x बिगर वेपर चैम्बर, तो हीट छोड़ो सा गर्म भी नहीं होता, ये ठंडा रहता है कंप्लीट। जब भी मैं गेम खेलता हूँ ना मुझे फील होता है कि बाकी जब मैं पहले खेलता था ना तब हीट तो होता था, ये नहीं दूसरा, बट अभी हीट वीट कुछ नहीं होता यार, तुम लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग करो, दिक्कत ही नहीं है, चिल सीन है, मजा आता है। ओके, विशाल मुठे ऑफिशियल ने पूछा है विच गेम कैरेक्टर यू लव द मोस्ट एवर। बॉय क्रेटोस। ओके, अगला क्वेश्चन एकता जी ने पूछा है कि एक 80 गेम संपला वर्तला व्हाइट वाटला सेल फील बैड दैट इट इज ओवर। ये एक ऐसा गेम जो खत्म होने के बाद मुझे बुरा लगा होगा, और वो एक ही गेम हो सकता है गॉड ऑफ वॉर की जो ख़त्म हुआ और इधर पे लगा है, उसके बहुत पार्ट आते रहते हैं बट जब भी वो ख़त्म होता है मुझे बुरा लगता है, और मुझे जेन्युइनली वो बुरा लगा था कि गॉड ऑफ वॉर ख़त्म हो गया, और लगता है वो बुरा यार, वो फेवरेट गेम है मेरा। ओके, अथर्व ने बोला है कि दादा योर स्माइल इज किलिंग। बचपन से ही रिवेंजर बॉय ने बोला है कि क्या आप एक्सो खेलते हो। दोस्तों मैं एक्सो खेलता तो हूँ बट पेन और पेपर वेस्ट नहीं करता, मेरे पास उससे बेटर ऑप्शन है, पेंसिल निकाली बस यहाँ पे लाइंस मार दी इजी पीजी एक्स ओ एक्स। जीता कोई भी नहीं बट सी, और डायरेक्ट क्लियर करने का राप रूप 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 राप डुप टाप डुप टाप, और वापस से नया शुरुआत करने का 100 खेलने के लिए भाई इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बेबी। ये और एक जबरदस्त फीचर है भाई, ये पेंसिल, ये मजेदार है भाई, ये बहुत फन है, जेन्युइन फन। ओके, श्रावण राजपूत का क्वेश्चन है कि एक दिन में कितना टाइम गेमिंग को देते हो। तो दोस्तों गेमिंग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं, जब तक मतलब शरीर साथ दे, जैसे ही मेरे को ऐसा कंटा आने लगता है ना मैं गेमिंग छोड़ देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ कि एक्स्ट्रा ओवर जब गेमिंग करते हो ना तो वो गेमिंग से आप कंटा जाते हो, मतलब वैसे तो गेमर्स कंटाते नहीं कभी भी गेम को, कंटाते का मीनिंग अलग है, मतलब बोर नहीं होते गेम से कभी, बट फिर भी इतना गेमिंग मत करो कि घर वाले भी चिल्लाए और खुद का शरीर भी साथ छोड़ दे, ऐसा मत करो, गेमिंग लिमिटेड टाइम के लिए करनी चाहिए। इट्स मन्या ने पूछा है भाई गिव अवे नहीं होता क्या चैनल पे। सैमसंग जी थोड़ा इस चीज पे ध्यान दीजिए, गिव अवे तो फ्यूचर की बात है, लेट्स सी होगा, गिव अवे तो होते हैं भाई बट लेट्स सी। सैमसंग जी आप देख रहे हो ना, जस्ट मैं मेरे दिल की फीलिंग्स बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है जो मैं ऐसे आंसर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे गेम स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं गेम स्टार्ट करने के बाद इस चीज़ों के आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चंस के आंसर में गेम में जाके ही दे पाऊंगा। ओके, लेट्स मीट इन द गेम। ओके, हियर वी गो। और अभी मुझे सवाल आया है ऐसा कि सैमसंग में BGMI मैक्स सेटिंग में लैग होता है क्या। ओमकर भाई देखो, सैमसंग में BGMI में मैक्स सेटिंग में लैग होता है क्या, इस सवाल का जवाब मेरी सेटिंग्स देगी। और ग्राफिक्स में मैं HDR एक्सट्रीम खेल रहा हूँ फिलहाल, और बहुत ज़बरदस्त चलता है वो, मैं खेल के आपको बताता ही हूँ। और मैक्स सेटिंग्स का मतलब क्या है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप स्मूथ बैलेंस, स्मूथ 90 FPS, क्योंकि ये डिवाइस 90 FPS सपोर्ट करता है प्रॉपरली, तो अगर स्मूथ 90 FPS पे खेलोगे तो
चिराम, समझ रहे हो, HDRI एक्सट्रीम पे खेलोगे तो क्वालिटी बादशाह आएगी, लेकिन मक्खन ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज पर माई एक्सपीरियंस अभी तक, जब मैं खेल रहा हूँ, जब भी गेम में जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और एक्सट्रीम HDR आने वाला है तो उसका तो वेट ही कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी। अथर्व भाई का सवाल है कि जायरो ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो? भाईजान इस जमाने में जी रहे हो आप, हमारा जायरो कंटिन्यू ऑन रहता है, कहा गया ये रहा, ऑलवेज ऑन रहता है भाई। और एक मैच खेल के मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने ही वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपके सवाल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? केवल भाई का, केवल 45 का सवाल है, ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ S24 अल्ट्रा टिल नाउ एंड बेस्ट फीचर इन S24 अल्ट्रा फॉर गेमिंग। देखो पहले तो इसका मैं जेन्युइनली एक चीज़ बोलता हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जब से मोबाइल में खेल रहा हूँ, इसमें गेम प्ले बहुत स्मूथ चलता है, और इसका जो ज़बरदस्त एक बोलते ना लुक है, ग्रिप है पकड़ने के लिए, और हाथ से फिसलता नहीं है फ़ोन। दूसरी चीज़ की बहुत बड़ा डिस्प्ले है, और ऊपर ज़्यादा बड़ा नॉच भी नहीं है, एक सिंपल सा छोटू सा कैमरा है, और वो कैमरा बहुत पावरफुल है बाय द वे, और बहुत ज़बरदस्त इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है इसमें खेलने के बाद, और मज़ा आता है यार। सेटिंग कितना भी हाई करो, गेम प्ले स्मूथ ही चलता है, मक्खन गेम मोड है, डाल दो एक बार, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एक बार गेम में घुस जाओ, मचा दो, या जैसे मैं अभी मचाने वाला हूँ। ओके, रिद्धि का अगला सवाल है, करंटली बेस्ट गेमिंग डिवाइस अकॉर्डिंग टू यू? ओके, मेरे हिसाब से सैमसंग S24 अल्ट्रा और सैमसंग S24, जिनका बजट थोड़ा सा कम है उनके लिए, लेकिन सैमसंग S24 अल्ट्रा इज द बेस्ट गेमिंग डिवाइस मार्केट में अभी, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इसमें खेलने को, और अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मेरे गेम प्ले के साथ मिल जाएगा, लेट्स गो। सो गाइज लेट्स गो, लेट्स मूव इन टू द गेम, एंड मैं खेलने जा रहा हूँ फिलहाल एक GGM, लेट्स गो लेट्स गो, मैं एक GGM खेलने जा रहा हूँ और मज़ा आने वाला है, आई नो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, उनको दिखाता हूँ TDM में मौत का तांडव कैसे मचाते हैं। Watch out! Mark the location. Let's go, baby! Let's go! Let's go! आखिरी किल लेके तुम्हारा भाई बन चुका है, 10 किल का मालिक, 11 फिनिशेस टॉप पे है, कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बीच में से एंटर हुए भाई, अपन गेम में समझ रहे, बीच में से एंटर होके अपन 10 किल लेके बाहर आ गए, जबरदस्त, लेट्स गो। और इसी के साथ माफ करना खासे के लिए, और इसी के साथ हम करते हैं गेम को ख़त्म, और इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा और फ़ोन कैसा लगा ये बताना ज़रूर, और ऐसे Q&A सेशंस और आते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मिलते हैं आप सभी को कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहो, प्ले गैलेक्सी, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, आउट।